आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को अपना वह बयान वापस ले लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मराठा नालायक लोगों के अधीन काम कर रहे हैं। जरांगे के इस बयान को महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के अपमान के तौर पर देखा गया और इस पर खूब हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कि वह मराठा समुदाय के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। जरांगे ने मराठा समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण की मांग को लेकर अपने आंदोलन के तहत अगस्त के अंत के बाद से दो अलग अलग मौकों पर कई दिन तक भूख हड़ताल की और अपनी मांग के समर्थन में राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को अपना वह बयान वापस ले लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मराठा नालायक लोगों के अधीन काम कर रहे हैं। जरांगे के इस बयान को महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के अपमान के तौर पर देखा गया और इस पर खूब हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कि वह मराठा समुदाय के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। जरांगे ने मराठा समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के आरक्षण की मांग को लेकर अपने आंदोलन के तहत अगस्त के अंत के बाद से दो अलग अलग मौकों पर कई दिन तक भूख हड़ताल की और अपनी मांग के समर्थन में राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं।